तो यहाँ पे काफ़ी सुंदर नज़ारा है और नदी पूरे उफान पे है, प्रेशर के साथ पानी पहाड़ों से बह के आ रहा है और हमारे पास लगभग 2 घंटे हैं यहाँ पे टाइम पास करने के लिए। लेकिन यहाँ के लोगों ने यहाँ पॉटी कर करके इतनी गंदगी मचा रखी है कि बदबू उसकी यहाँ आ रही है हमें, तो थोड़ा हटके ही बैठेंगे हम यहाँ से। तो दृश्य तो काफ़ी खूबसूरत है और ब्लॉगिंग में जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए बाकी अपने मित्रों से मिलवाते हैं आपको। तो दोस्तों अभी हम खाना खा रहे हैं मॉल रोड के एक होटल में, जो काफ़ी बढ़िया खाना हमें यहाँ पे मिला और इसके बाद हम सीधे मॉल रोड के मेन बाज़ार से पैदल चलते हुए जाएंगे बस स्टैंड तक, जहाँ से हमें अपने हाथरस की जो बस है वो मिल जाएगी। इसके बाद बीच बीच में जो भी ज़रूरत की बातें हैं वो मैं आपको बताता जाऊँगा। तो यहाँ पर हमें खाना काफ़ी अच्छा मिला, कई जगह खाया लेकिन खाना बहुत बकवास था, मतलब ठीक सा खाना था। एक ही जगह मिली जहाँ पर खाना काफ़ी अच्छा था और एन्जॉय किया। अगर आपको कभी खाना खाना हो तो यहाँ खा सकते हैं। अभी हम अपनी बस की तरफ जा रहे हैं जो कि 7:30 बजे का टाइम है और ये हमें नई दिल्ली पहुंचा देगी सुबह करीब 9:30 बजे और वहां से हम सीधे नोएडा सिटी सेंटर से हाथरस की बस लेंगे। तो चलिए आगे का व्यू मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा सा। तो दोस्तों अगर आप घूमने का शौक़ रखते हैं तो मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि सफ़र का जो आनंद है वो रास्तों का है, ना कि मंजिल का। तो यहाँ से पूरा हम पैदल पैदल सर्वाइव करेंगे मनाली के मुख्य बाज़ार यानी कि मॉल रोड से लेके प्राइवेट बस स्टैंड तक, और वहाँ का पूरा जो रास्तों का जो व्यू है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप पूरा का पूरा सफ़र का आनंद लीजिए, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें मैं आपको रास्ते में और भी दिखाऊंगा, जैसे कि बस स्टैंड कहाँ पर है, इसके अलावा बस स्टैंड के पास जो बहती हुई नदी है उसका जो दृश्य है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और इस वीडियो में जो मैंने आपको दिखाया है तो केवल रास्तों का ही वीडियो है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप स्किप भी करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर आपको रास्तों का आनंद लेना है, आपको मुख्य बाज़ार में घूमना है, बस स्टैंड तक पैदल जाना है, तो वो आप ये वीडियो पूरा का पूरा देखिए। और इसके बाद मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और अभी बता दूँ कि रास्ते में अगर हम यहाँ से टेम्पो करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में पहुँच जाएंगे, लेकिन हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ से मुख्य बाज़ार से लेके बस स्टैंड तक पैदल ही सफ़र करेंगे। कारण ये था कि मार्केट में हमें घूमना भी था, हमें लोकेशन भी देखनी थी और हमें देखना था कि वहाँ का बाज़ार कैसा है और रास्तों का भी हमें आनंद लेना था। तो इसलिए यहाँ से हम पैदल पैदल निकले बस स्टैंड की तरफ। और सबसे कमाल की बात यह है कि यहाँ से अगर हम पैदल बस स्टैंड की तरफ जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें 10 मिनट लगने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से मुख्य बाज़ार से लेके बस स्टैंड तक काफ़ी ढलान है। जो हम पैदल पैदल जाएंगे तो हमारी रफ्तार ऑलरेडी डबल से ट्रिपल रहेगी, जिसकी वजह से हम जल्दी वहाँ पहुँच जाएंगे और थकावट भी महसूस नहीं होगी। अगर आप मुख्य बाज़ार से कभी वहाँ तक जाना चाहते हैं तो आपको टेम्पो वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, आप पैदल भी जा सकते हैं, काफ़ी आसान और सुरक्षित रास्ता है। तो टेंशन मत लीजिए, यहाँ से गाड़ी करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम ऊपर की तरफ चढ़ाई कर रहे होते तो हमें गाड़ी की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि यहाँ से 1 किलोमीटर भी अगर आप ऊपर की तरफ चढ़ाई करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगे, जो कि हम कर चुके हैं और हमें बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हुई। लेकिन उतरते समय हमें कोई थकावट महसूस नहीं हुई, बड़ी आसानी के साथ बस स्टैंड तक पहुँच गए। तो आगे का सफ़र जारी है, आप विजुअल देखिए। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुख्य बाज़ार से लेके बस स्टैंड की जो दूरी है वो लगभग 4.5 किलोमीटर है, और यहाँ से अगर आप पैदल बस स्टैंड तक सर्वाइव करेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आप 4.5 किलोमीटर दूर पैदल चल के गए हैं। आपको ऐसा लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा 0.5 किलोमीटर दूर आप पैदल चल के गए हैं, क्योंकि ढलान की वजह से आप लोगों की स्पीड अलग ही रहती है चलने की, और थकावट भी आपको महसूस होने वाली नहीं है बिल्कुल भी। तो आप ये विजुअल देखिए, अगर आप डायरेक्ट आगे का वीडियो देखना चाहते हैं तो स्किप करके भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा ही देखना है। अगर आपको मार्केट का जो आनंद है वो लेना है और अब लोकेशन देखनी है पूरी, तो आपको ये वीडियो पूरा का पूरा देखते जाइए, जिससे कि आपको भविष्य में अगर कभी आप मनाली घूमने जाते हैं तो आप रास्ते पर पैदल भी सर्वाइव कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है जगह जगह टेम्पो करके पैसे खर्च करने की, तो आप काफ़ी पैसा इस तरीके से बचा सकते हैं। हम यहाँ पर पैसा बचाने के उद्देश्य से पैदल नहीं घूम रहे, हम यहाँ पर केवल मार्केट का आनंद जो लेना था लोकेशन का, उसकी वजह से हम पैदल हमने सर्वाइव करने का जो विचार है वो बनाया, नहीं तो हम 5 मिनट में पहुंच जाते। और हमारे पास बहुत सारा समय भी था, क्योंकि जो हमारी बस है वो करीब 7:30 बजे के आसपास हमें मिलने वाली थी, और अभी का जो टाइम आप देख रहे हैं ये करीब 6 बजे का टाइम है, यानी कि अभी भी हमारे पास 1.5 घंटा है। तो 1.5 घंटे के अंदर हम आराम से बस स्टैंड तक पहुंच सकते हैं, लेकिन यहाँ से जो बस स्टैंड की जो दूरी है लगभग हमारे हिसाब से 10 मिनट से ज़्यादा की नहीं रही होगी, क्योंकि हमने वहाँ से जो पैदल सफ़र किया वो केवल 10 मिनट में ही हम वहाँ पर बस स्टैंड पर पहुँच गए। आगे का आप आनंद लीजिए, मैं अब साइलेंस हो जाता हूँ।
तो यहाँ पर आप देखिए हमारा जो बस स्टैंड है वो आ चुका है, वॉल्वो बस स्टैंड, और यहीं से हमें अपनी जो है बस लेनी है। तो नीचे उतर रहे हैं, ऊपर भी काफ़ी चढ़ाई है, ऊपर से हम नीचे पैदल आए क्योंकि नीचे ढलान है और ज़्यादा 10 मिनट में हम नीचे उतर आए। लेकिन चढ़ाई में टेम्पू करना पड़ता है क्योंकि इतनी चढ़ाई आप नहीं कर सकते। और सामने नदी बह रही है, यानी कि पानी आ रहा है बर्फ़ का पिघला हुआ। कोई बात ना है, यहाँ से हम नीचे की तरफ उतर के जा रहे हैं। आप देखिए नदी बह रही है, बहुत ही कमाल का और अद्भुत नज़ारा है। तो यहाँ पे काफ़ी सुंदर नज़ारा है और नदी पूरे उफान पे है, प्रेशर के साथ पानी पहाड़ों से बह के आ रहा है। और हमारे पास लगभग 2 घंटे हैं यहाँ पे टाइम पास करने के लिए, लेकिन यहाँ के लोगों ने यहाँ पॉटी कर करके इतनी गंदगी मचा रखी है कि बदबू उसकी यहाँ आ रही है हमें, तो थोड़ा हटके ही बैठेंगे हम यहाँ से। तो दृश्य तो काफ़ी खूबसूरत है, और ब्लॉगिंग में जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए बाकी अपने मित्रों से मिलवाते हैं आपको। कैसा लग रहा है? सुपर से ऊपर, सुपर से ऊपर। और बॉस कैसा लग रहा है? उल्टी हो रही है। यहाँ के लोगों ने गंदगी मचा रखी है ज्यादा, यहाँ पे गंदगी थी इसलिए मैं पैक आ गया और मुझ पे हानि गया। तो कैमरा कर लेता हूँ मैं अपनी तरफ ऐसे करके, और दृश्य देखिए पीछे का, एकदम लपक के मजा आने वाला है। समझ लो आनंद आपके पास है, बस आपको 4 कदम बढ़ाने हैं और आप फुल एंजॉयमेंट के साथ यहाँ बहती हुई नदी देख सकते हैं। पानी काफ़ी दूर से आ रहा है और लगभग 2 घंटे हमारे पास। सारे लोगों की झलक में एक बार आपको दिखाता हूँ फिर से। ये देखिए ये चल रहा है एकदम ज़बरदस्त व्यू, और थोड़ा मैं इसे जूम करके एक फुटेज बनाता हूँ पानी का, दिखा दूँ मैं आपको एक बार।
ये देखिए मस्त। चलिए तो यहाँ हमारी जो बस है वो हमें मिल गई है 6902, देख रहे हैं आप सामने ही है। ये देखिए हमारी जो बस है वो यहाँ, हाँ यही है, ठीक है। चलते हैं अपनी बस में। यहाँ देखिए अंदर का नज़ारा, उधर ठंडी तो है नहीं यार, ये अच्छा ठंडी नहीं है उधर। हेलो, तो चलिए थोड़ा बाहर का दृश्य मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे ये लीजिए, और यहाँ पर आप जो लाइट देख रहे हैं ना, ये पहाड़ों के ऊपर जो मकान बने हुए हैं उनमें लाइट जल रही है, और ऐसा लग रहा है कि कोई दिवाली जैसा फेस्टिवल कोई आ गया है, इस वजह से इतनी सारी लाइटें यहाँ पर हो रही हैं। लेकिन ये सारे पहाड़ों के ऊपर जो मकान हैं उनकी लाइटें यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं, तो इसका आनंद लीजिए। तो दोस्तों सारी रात बस में सफ़र करने के बाद दिन निकल आया है, और सुबह के हो रहे हैं लगभग 7:30, और हमारी जो बस है उसमें ज़्यादातर सवारियाँ अभी सो रही हैं। कुछ लोग जगे हुए हैं, हमारे साथ के जितने मित्र थे वो भी सो रहे हैं, एक आध कोई इसमें से जगह होगा मुझे पता नहीं कि मुँह ढक के सो रहा है, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन लगभग सभी सो रहे हैं। और हमारी जो बस है वो पहला स्टॉप यहाँ पे लेने वाली है, जिसको फ्रेश वगैरह वो होना है वो यहाँ से हो सकता है। उसके बाद हमारी जो बस है सीधी कश्मीर गेट यानी कि दिल्ली पे जाके रुकेगी। कश्मीर गेट, मजनू का टीला, दोनों जगह आप जहाँ भी चाहें वहाँ रुक सकते हैं, बुकिंग के हिसाब से वो होता है। तो चलिए स्टॉप है, हाँ चलो। पूरा सीन हो रहा है भैया,
बैलगाड़ी का पूरा मजा दिया आपने यहाँ तक। तो दोस्तों हम सभी लोग इस समय मेट्रो में हैं दिल्ली, और हमने कश्मीरी गेट से मेट्रो ली है जो हमें पहुंचा देगी थोड़ी ही देर में नोएडा सिटी सेंटर, और वहां बस स्टैंड से हम बस पकड़ के सीधे हाथरस के लिए रवाना होंगे। तो आप सफ़र का आनंद लीजिए। थैंक यू। कोने में जाके ले जाना सही थे। शिवम पान में लीड लग रही है कि जा रहे हैं लिफ्ट में। हेलो पूरे सामने मेट्रो स्टेशन से बाहर आते हुए सभी लोग नोएडा सिटी सेंटर पहुंच चुके हैं, और यहां से निकलेंगे हाथरस के लिए। बस देख रहे हैं हम, तो ये जा रही है पूरी टीम, और सामने पुलिस चौकी मोरना, और यहीं पे शायद बस भी हमें मिल जाएगी। देखिए पूरा बस स्टैंड है यहाँ सामने। देख देख आतंक कितना है नोएडा। अलीगढ़ डिपो देख वो सामने है।
नाश्ता देख लियो पहले, बस देख लो, बस में बैठ जाओ, बैग दस दो। अरे बन जाए तो बंदे कर लियो, यही मांग रहा हूँ, तो देख देख ले सबसे पहले बात बना रहा है। अरे सीधी आदर सी मिल जाए यहाँ पे। अरे आतरस पीछे आतरस है, जो आतरस होगी भैया हाथरस। तो ये पहुंच गए हम हाथरस की अपनी बस में और यहाँ बैठेंगे आराम, अब सीधे हाथरस जाके बाकी का वीडियो वहीं शूट करेंगे। सही है भाई संजय आड़ी, हेलो आया तो कर दे। अब हम आ चुके हैं बस, तो हम आ गए हाथरस और अब जाएंगे भाई के साथ घर पे, बड़े भैया आए हैं लेने के लिए। चले चलो